हम लोग नक्की लेक आ चुके हैं, अभी हम करेंगे बोटिंग और ये पार्ट आपको दूसरा पार्ट मिलेगा पार्ट टू में, तो ये आप बाद में एंजॉय करना। तो यही रहा, नाइट में देखते हैं कैसा व्यू होता है, दिन में तो हमने किया है नाइट का किया। तो भैया ने अभी मंगवाई है रबड़ी और भैया जा रहे करने जा रहे हैं बॉडी मसाज। जाओ, मेरी रबड़ी और ये है चेयर। तो हमने इनसे पूछा कि खाते खाते कर सकते हैं, नहीं वो बोले जब वाइब्रेट होगी ना तो आपके ऊपर गिर जाएगा। कैसी है रबड़ी, लो आप भी टेस्ट करो फ्रेंड्स। आप इस जगह पे आ सकते हो, ये नक्की लेक के पास में ही है, गार्डन के बीच में है, मैं आपको बता दूंगी बाद में। ये भैया करवाने जा रहे हैं मसाज। तो ये रहा 15 मिनट का, आपको आपको देना पड़ेगा 150 रुपये और 10 मिनट का होगा 100। तो हमने 10 मिनट का किया और दोनों ने बहुत मज़ा आया, एकदम रिलैक्स लगा और अंकल का नेचर भी बहुत अच्छा है, एकदम नक्की लेक के पास में ही है। तो ये रहा, छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप भी है। तो चलते हैं अभी नक्की लेक में बोटिंग कर, बोट पे बैठ चुका है, बोटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम लोग सफ़र कंप्लीट करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिखाई है और आपको अभी मेरे को सिर्फ नज़ारे देखने दो। और काफ़ी ठंडक हो चुकी है वैसे यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह नहीं चलाई है क्या? दिवाली के हिसाब से सजाएंगे, तो कोई नहीं, हमने तो एंजॉय करना है। तो सामने हेलो, आपकी आवाज़ वापस आएगी अभी भैया, और बोलो जोर से बोलो भैया। हेलो शेट। तो हमारी राइड कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। तो भैया ने कोई चीज नहीं ली, वैसे तो चीजें मिल तो रही थी, भैया ने सिर्फ एक क्यूब लिया है। भैया इतना दिमाग है, चला लो किसको, दिमाग नहीं है, दिमाग तो विकसित करना है। हाँ दिमाग चलाना है, इसलिए तो लिया है। अब निकलते हैं और भूख भी बड़ी लगी है, भैया बोले अभी खा लिया तो रात को क्या खाएंगे, बट फिर भी। और यहाँ पे मार्केट भी बहुत ज्यादा लगी है, इतना ऐसा सन्नाटा तो नहीं है, काफी ऐसे बुरे। घूम तो लिया नक्की लेक, तो बहुत मजा आया, रात को अलग ही तरीके का होता है, सिर्फ लाइटिंग वगैरह नहीं थी, बाकी फीलिंग बहुत अच्छी थी, एकदम ठंडा ठंडा पानी। तो आप नक्की लेक भी आ सकते हैं, अगर आप सिंगल वाली बोट लोगे तो उसका कितना होगा, 200 ना, सिंगल वाली, वो जो पैंडल वाली होती है 200, और इसका 400 या 500 होता है। तो हमने तो ये ली, इससे भी छोटी होती है, पर भैया ने पता नहीं ये क्यों ले ली, क्योंकि इसमें एक इंसान चलाता है बोट, हम लोग इतने ट्रेन तो है ना कि हम खुद चला के ले जाए, हम ऐसे ही नहीं बोट ही पलट दें। तो आप भी अगर आप वेल ट्रेन हो तो आप किसी की मदद ना लिए अपने आप ही चला सकते हो, नहीं तो मदद ले सकते हो, कोई और चलाएगा, आप सिर्फ इंजॉय करना। और अभी हम लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि हमें भूख भी लगी है और हमें कुछ खाना भी है, बट हल्का खाना है। हम पूरा ऊपर देखा है तो हमें इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर कोई रेस्टोरेंट अच्छा खाना नहीं बनाता है। तो हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस तो कर ही लिया है माउंट आबू में आके, एक तो जहाँ हम रह रहे हैं जो होटल में वो तो अच्छा देते हैं खाना। हाँ सीधा, हाँ वो तो अच्छा देते हैं, बट आगे कैसा होगा क्या पता कैसा है, तो अभी देखते हैं। नाश्ता भी चाहिए, और हम लोगों ने कल 11 बजे खाना खा लिया था, फिर हमें रात को भूख लग गई, तो उसका भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई सूखा नाश्ता ले सके अपने साथ में। अब देखते हैं किसी रेस्टोरेंट में रुकेंगे कुछ खाएंगे और अपने होटल में जाएंगे रेस्ट करेंगे, फिर कल निकलना है मॉर्निंग में, कल और ज्यादा जगह घूमेंगे। तो आज का मेरा कैसा लगा, मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई मुझे नहीं पता है, मैं व्लॉग एडिट करूंगी तो तब आपके पास आ जाएगा आज के आज। और व्लॉग थोड़ा लेट आएगा 12 बजे, क्योंकि यहाँ का वाईफाई का सिस्टम थोड़ा अलग है, 9 बजे पता नहीं ये रात को बंद कर देते हैं अपना वाईफाई यहाँ से।
वे ऑन करते हैं, तो मैं सुबह 12 बजे डाल दूंगी ब्लॉग, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर हाँ तभी तो नहीं चला हमारा, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पाव भाजी डोसा खा लिया और बड़ा ही टेस्टी था, तो हम लोग जाएंगे हमारे होटल, करेंगे नहाएंगे धोएंगे, फिर थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेंगे, फिर देखेंगे भूख लगी तो फिर यहाँ पे कुछ खाने आ जाएंगे। और ठंडी हो गई है माउंट आबू में यार, ठंडी बहुत है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब हमें इतनी नहीं लगी थी, बट इस बार हमें लग रही है, तो इसलिए हमें गर्म पानी से नहाना भी पड़ रहा है। मॉर्निंग में तो ठंडे पानी से नहा लिए थे। हाँ मैम चला लो, फिर बात करते घर पे आके। सबसे पहले घर पे आके खोला है हमने ये कौन सा क्यूब, अब ये देखते हैं कि किससे बनता है। मैंने ऐसे ऐसे करके बना दिया और देखो क्या बन के गए थे, क्या हो गया, मतलब थक जाता है ना इंसान। तो ये था मेरा पूरा लुक, कोई और तो दिखाने वाला है नहीं, दीदी होती तो दिखाती ना। तो अभी मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है और अभी नहाने जाना है गर्म पानी करके, बाहर मौसम है पूरा अंधेरा, फिर मॉर्निंग में उठेंगे फिर देखते कहाँ जाते हैं। और खाना भी ऑर्डर करना है, बज चुके हैं कितने, 9:30 तो हो गए हैं। भैया ने बिगाड़ के दे दिया, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। भैया हो रहा है भैया अपना छोटा सा दिमाग वो भी इसमें यूज कर रहे हैं। मैं नहा के आ चुके हैं, भैया का नहाना बाकी है, तो भैया भी नहाने जा रहे हैं और हमारा डिनर भी आ चुका है। तो आज डिनर में है एक पनीर की सब्जी, एक दाल, एक और पनीर की सब्जी और ये चना मसाला जो था, और 5 गुलाब जामुन और रोटियां। प्याज तो मैं खाने नहीं वाली, तो मेरा तो खाने की बहुत इच्छा है, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ भैया के लिए। और खाने के बाद देखते हैं कि वॉक करने जाएंगे भैया नीचे, अच्छा मौसम है ना, थोड़ी वॉक करके आएंगे तो खाना हजम हो जाएगा। ये अभी नहा के आ चुके हैं और मुझसे तो भाई रहा नहीं जा रहा है, मुझे तो फटाफट खाना ये सारा फिनिश करना है, टेस्ट करके देखें, अगर भूख लगती है तो कहीं और से ले आए, नहीं तो 12 बजे सब शॉप्स बंद हो जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद। तो फटाफट पहले खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। खाना हमने सारा निपटा लिया, ये देखो पूरी प्लेट वगैरह सब खा ली, एकदम सफा चट हो गया। अभी खाने की बारी है गुलाब जामुन, और ये यहाँ पे ठंड में पड़े पड़े ना थोड़े से वो हो गए कड़क टाइप, तो फिर भी खाने पड़ेंगे, बट टेस्टी बहुत है, टेस्टी है ना भैया, मजा आ रहा है। और हमने कोई भी एरी गरी कोई भी फिल्म लगा ली क्योंकि ये नेटफ्लिक्स में है ही नहीं। लास्ट टाइम जिस रूम में हम रुके थे वहां पे था, पर इस रूम में पता नहीं क्यों नहीं है, तो यही कुछ भी देख रहे हैं क्योंकि हमें 2-3 में तो सोना ही है, तो कुछ भी देख के आंखें खराब कर लो। टीवी वगैरह बंद कर दिया और अभी बज चुके हैं रात के 1, और वॉक पे तो हम लोग जा नहीं पाए, भैया बोले नीचे एकदम सन्नाटा है, और वैसे भी बोला है कि रात को भालू वगैरह निकलते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जाना सही नहीं समझा, मतलब नहीं भी निकलते हैं बट बाय चांस निकल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसलिए ऊपर बैठे ही रहे हम लोग, हाजम हो जाएगा अपने आप खाना। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मॉर्निंग में हमारा प्लान बन रहा है कि हम लोग गुरु शिखर जाएंगे, यहाँ से थोड़ी देर की दूरी पर ही है, 1/2 लगेगा गाड़ी में, तो वहाँ पे भी बताएंगे कैसा कैसा है। तो आज अगर आप माउंट आबू में आ रहे हो तो आप एक दिन तो ये घूम सकते हो सनसेट पॉइंट, बट अभी मत जाओ क्योंकि अभी वो सीजन है कि बादल के पीछे छुप जाता है सूरज, तो कुछ आपको मजा नहीं आएगा उसका, सनसेट तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा आपके साथ होगा। तो उसके लिए आप एकदम गर्मियों में है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा तो आप फोटो शूट करा सकते हो, एक फोटो का 30 लेते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको कोई नाश्ता वगैरह खाना हो तो वो एज कम्पेयर टू जहां से आप ऊपर माउंट आबू के आते हो वहां से थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि चीजें ऊपर से आती है ना, नीचे से आती है ऊपर, तो थोड़ा वो मतलब भाव बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं। तो अगर आपको शॉपिंग करनी हो, अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं, बाकी नहीं करनी है तो वो आपकी चॉइस है। तो उसमें मैंने तो कोई शॉपिंग की नहीं फिलहाल, और ना ही मेरा कुछ ऐसा मोटिव है कि मैं शॉपिंग करूं बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं है कुछ। और कौन सी चीज है, हाँ नक्की लेक पे जाइए, बोटिंग करिए, हाँ आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, उसका मैंने आपको बताया 100 है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पे डॉग्स को भी लेके जा सकते हो, बट सनसेट पॉइंट पे मत लेके जाना, वहां पे पब्लिक बहुत होती है तो वो एकदम, और वहां पे स्पेशल उन्होंने बोला अगर आप जान अपने डॉग्स को किसी को भी लेके आते हो तो उसको शाम से पहले वापस ले आना, भालू और वो सब लेपर्ड वगैरह अटैक कर सकते हैं, तो आप ना ही लेके जाए तो वो बेस्ट है, मुझे तो ना लेके जाना ही अच्छा लगा। बाकी जहाँ हॉर्स राइडिंग होती है नीचे, तो आप वहाँ पे गार्डन है वहां पे लेके जा सकते हैं। तो जब आप आएंगे तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें,
और बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल फटाफट से सो के। अभी मैं फिलहाल एडिटिंग करने जा रही हूँ, वीडियो ट्रांसफर हो रही है और आज चलो वाईफाई इन्होंने चालू रखा है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। गुड नाइट, बाय।